महाराष्ट्र के ठाणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले वहां लिए चलते हैं आपको। आनंदाची बातमी घेऊन मी महाराष्ट्रात आलो आहे। केंद्र सरकार ने आमच्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेच दर्जा दिला आहे। ये केवल मराठी और महाराष्ट्र का ही सम्मान ऐसा नहीं है, ये उस परंपरा का सम्मान है जिसने देश को ज्ञान, दर्शन, अध्यात्म और साहित्य की समृद्ध संस्कृति दी है। मैं इसके लिए देश और दुनिया में मराठी बोलने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, नवरात्रि में मुझे एक के बाद एक अनेक विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य भी मिल रहा है। ठाणे पहुंचने से पहले मैं वाशिम में था। वहां देश के 9.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि जारी करने और कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण का अवसर मुझे मिला। अब ठाणे में महाराष्ट्र के आधुनिक विकास के कई बड़े कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। मुंबई एमआरआर और महाराष्ट्र के विकास की ये सुपर फास्ट स्पीड आज का दिन महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य की झलक दे रहा है। आज महायुति सरकार ने मुंबई एमएमआर में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। आज 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो का भी शिलान्यास हुआ है। नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया यानी नैना प्रोजेक्ट, छेड़ा नगर से आनंद नगर तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे, ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नया मुख्यालय, ऐसे कई बड़े विकास कार्यों का भी आज शिलान्यास हुआ है। ये विकास कार्य मुंबई और ठाणे को आधुनिक पहचान देंगे। साथियों, आज ही आरे से बीकेसी मुंबई की एक्वालाइन मेट्रो का शुभारंभ भी हो रहा है। इस लाइन का मुंबई के लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। मैं आज जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जापान ने जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के जरिए इस प्रोजेक्ट में बहुत सहयोग दिया है, इसलिए ये मेट्रो एक तरह से भारत जापान मित्रता की भी प्रतीक है। भाइयों बहनों, ठाणे से बाला साहब ठाकरे को विशेष लगाव था।
ये स्वर्गीय आनंद दिघे जी का भी शहर है। इस शहर ने देश को आनंदीबाई जोशी जैसी देश की पहली महिला डॉक्टर दी थी। आज हम इन विकास कार्यों के जरिए इन महान विभूतियों के संकल्प को भी पूरा कर रहे हैं। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए ठाणे मुंबई के सभी लोगों को, महाराष्ट्र के सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, आज हर देशवासी का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। इसलिए हमारी सरकार का हर निर्णय, हर संकल्प, हर सपना विकसित भारत के लिए समर्पित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें मुंबई ठाणे जैसे शहरों को फ्यूचर रेडी बनाना है, लेकिन इसके लिए हमें डबल मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें विकास भी करना है और कांग्रेस सरकारों के गड्ढों को भी भरना है। आप याद करिए, कांग्रेस और उसके सहयोगी मुंबई ठाणे जैसे शहरों को किस तरफ लेकर जा रहे थे। शहर की आबादी बढ़ रही थी, ट्रैफिक बढ़ रहा था, लेकिन समाधान कोई नहीं था। मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी, उसके थमने ठप होने की आशंकाएं जताई जाने लगी थी। हमारी सरकार ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है। आज मुंबई महानगर में लगभग 300 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क तैयार हो रहा है। आज मरीन ड्राइव से बांद्रा तक का सफर कोस्टल रोड से 12 मिनट में पूरा हो रहा है। अटल सेतु ने दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के बीच उस दूरी को भी कम कर दिया है। ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव भूमिगत टनल प्रोजेक्ट में तेजी आई है। ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट हैं, जो मैं गिनता जाऊं तो लंबा समय निकल जाएगा। वर्सोवा से बांद्रा सी ब्रिज प्रोजेक्ट, ईस्टर्न फ्रीवे, ठाणे बोरीवली टनल, ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट से इन शहरों की तस्वीर बदल रही है। इसका बहुत बड़ा फायदा मुंबई के लोगों को होगा। इनसे मुंबई और आसपास के शहरों में मुश्किलें कम होगी, यहां रोजगार के नए मौके बनेंगे, यहां उद्योग धंधे बढ़ेंगे। साथियों, आज एक तरफ महायुति सरकार है जो महाराष्ट्र के विकास को ही अपना लक्ष्य मानती है, दूसरी ओर कांग्रेस और महाआघाड़ी वाले लोग हैं, उन्हें जब भी मौका मिलता है वो विकास के काम को ठप कर देते हैं। महाआघाड़ी वालों को विकास के कामों को सिर्फ लटकाना, अटकाना और भटकाना ही आता है। मुंबई मेट्रो खुद इसकी सबसे बड़ी गवाह है। मुंबई में
मेट्रो लाइन 3 की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री रहते हुई थी। इसका 60% काम उनके कार्यकाल में हो भी गया था, लेकिन फिर महाअघाड़ी की सरकार आ गई। महाअघाड़ी वालों ने अपने अहंकार में मेट्रो का काम लटका दिया। 2.5 साल तक काम अटके रहने से प्रोजेक्ट की कीमत 14,000 करोड़ रुपये बढ़ गई। ये 14,000 करोड़ रुपया ये किसका पैसा था? क्या ये पैसा महाराष्ट्र का नहीं था? क्या ये पैसा महाराष्ट्र के नागरिकों का नहीं था? ये महाराष्ट्र के टैक्स पेयर्स की मेहनत का पैसा था। भाइयों बहनों, एक और काम पूरा करने वाली महायुति सरकार, दूसरी ओर विकास को रोकने वाले महाअघाड़ी के लोग। महाअघाड़ी ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड से साबित किया है कि वो महाविकास विरोधी लोग हैं। इन्होंने अटल सेतु का विरोध किया था, इन्होंने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को ठप करने की पूरी साजिश की। जब तक ये सत्ता में रहे, इन्होंने बुलेट ट्रेन के काम को आगे नहीं बढ़ने दिया। इन्होंने तो महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी से जुड़े प्रोजेक्ट तक को नहीं बख्शा। जो काम महाराष्ट्र के लोगों की प्यास बुझाने के लिए शुरू हुए थे, महाअघाड़ी सरकार ने उन्हें भी रोक कर रखा था। ये आपका हर काम रोक देते थे, अब आपको इन्हें रोक देना है। महाराष्ट्र में विकास के इन दुश्मनों को सत्ता के बाहर ही रोक देना है, सैकड़ों मील दूर रखना है। साथियों, कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। चाहे कोई भी दौर हो, कोई भी राज्य हो, कांग्रेस का चरित्र नहीं बदलता। आप पिछले एक हफ्ते का हाल देख लीजिए। कांग्रेस के एक सीएम का जमीन घोटाले में नाम सामने आया है, उनके एक मंत्री महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस नेता ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं। कांग्रेस चुनाव में बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सरकार बनने पर पीएम मोदी को आप देख रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के ठाणे में यहाँ पर संबोधित कर रहे थे लोगों को, और कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे कि कांग्रेस जिस तरह के वादे करती है, जब सरकार बनती है तो उनको भूल जाते हैं, और भ्रष्टाचार जैसे कई मामलों में कांग्रेस के नेता जो है वो पाए गए हैं। तो पीएम मोदी महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र के ठाणे में ये विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी उनके द्वारा किया जा रहा है।